अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं चिकन चीज़ ड्रमस्टिक लेकर हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने लेग पीस ले लिए हैं 6 अदद और उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अभी ठंडे हो गए हैं ये। 5 मीडियम साइज़ के मैंने बॉयल्ड आलू ले लिए हैं। अब मैं बोटियाँ रिमूव कर लूँगी हड्डियों से। इस तरीके से मैंने सारी हड्डियाँ रिमूव कर दी हैं और आलू को मैं अच्छे से जो है मैशअप कर लूँगी। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बोटियों को मैंने चॉपराइज कर लिया था और मैंने दोनों चीज़ें एक बॉल में डाली हैं। यहाँ अब मैं 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून पेपर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, चंद स्पाइसेस मैंने यहाँ पर ऐड की हैं और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही इसके बेस्ट रिजल्ट हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका जो बैटर है वो फैला लिया है और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा की जो है क्यूब में चीज़ ली है। आपकी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ ले सकते हैं। और यहाँ ऊपर मैंने दोबारा से बैटर लगा के दोनों तरफ से इनको बंद कर दिया है और दोनों हाथों की मदद से राउंड अप करके एक शेप दे दी है और स्टेबल फॉर्म में मैं इसको लेकर आ गई हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको और बना के दिखाऊंगी। और देखिए, मैं दोबारा से चीज़ रखकर नीचे हड्डी रखी है और दोबारा से इसके ऊपर बैटर लगा के चारों तरफ से इसको बंद कर दिया है। तो इस तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। अब करते हैं इसकी प्रिपरेशन कोडिंग की। यहाँ एक अंडा लिया है, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून दूध ऐड किया है, 1 पिंच मैंने पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। पहले मैं यहाँ पर अंडे के इससे कोट करूँगी और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम में डिप करके इसको कोट करूँगी। तो आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मैं यहाँ 1 टाइम ही कोट करूँगी। इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी और साथ साथ आप पैन में जो है ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही रख दीजिएगा। और यहाँ पर मैं हाई फ्लेम में जो है अपने ड्रमस्टिक को फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा कि फ़ौरन से स्टेबल हो जाएंगे, टूटने का इनको मौका नहीं मिलेगा अगर ऑयल हमारा जो होगा गर्म होगा। तो ये देखिए, मैंने इनका साइडिंग इनकी चेंज कर दी है। जब प्यारा सा इस पर कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन, तो मैं इनको पैन से रिमूव कर लूँगी और अपने बाकी के जो है ड्रमस्टिक हैं वो भी इस तरीके से मैं इनको तल लूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से मेरे ड्रमस्टिक बनकर तैयार हो गए हैं। और इस स्टेज पर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी और फुल लोडेड जो है मेरे चीज़ी ड्रमस्टिक बनकर तैयार हुए हैं। आपको यहाँ पर चीज़ नज़र भी आ रही होगी, ये तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट के लिए एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बल्कि टेस्ट करके भी दिखाऊँगी। तो ये देखिए, OMG, टू मच टेस्टी और फुल लोडेड इसमें जो है चीज़ हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही शानदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक देना मुझे बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, जब मैंने शुरू किया खाना तो बस फिर मैं खाती चली गई क्योंकि बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो आप बच्चों के लंच का भी बेहतरीन ऑप्शन है और एज अ स्नैक भी आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और चंद ड्रमस्टिक मैंने विदाउट चीज़ भी बनाए थे, तो विदाउट चीज़ भी आप बना सकते हैं और चीज़ के साथ भी आप बना सकते हैं। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।